देश भर में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। नवरात्रि से शुरू हुआ ये सीजन दिवाली छठ पूजा के बाद भी दिसंबर महीने तक चलता रहेगा। इस मौके पर टीवी कंपनियों ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनियों ने टीवी की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। कंपनियों ने टीवी के दाम 30% तक घटा दिए हैं। त्योहारों से पहले कंपनियों को टीवी की मांग में जोरदार उछाल की उम्मीद थी, लेकिन सुस्त डिमांड की वजह से कंपनी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गई और टीवी की कीमतों पर कटौती कर दी। सुस्त मांग के अलावा बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी दाम में कटौती का बड़ा कारण है। इसलिए अगर आपने टीवी खरीदने की योजना बनाई है तो आपको इस ऑफर का काफी फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि कीमत में सबसे अधिक कटौती बड़ी स्क्रीन और महंगे मॉडल के लिए की गई है। सैमसंग, LG और सोनी जैसी बड़ी कंपनियों ने टीवी की कीमतें 40,000 रुपए तक घटा दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDA ने बीमा धारकों को बड़ा फायदा पहुंचाया है। नई गाइडलाइन के तहत बीमा कंपनियां अब वर्क प्लेस पर जोखिम भरी गतिविधियों और आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस से होने वाली बीमारियों, मानसिक रोगों, उम्र संबंधित बीमारी और जन्मजात बीमारी को हेल्थ कवर से बाहर नहीं कर पाएंगी। इस संबंध में IRDA ने कहा है कि अब से कैटरेक्ट सर्जरी, नी कैप रिप्लेसमेंट, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी उम्र संबंधित समस्याएं भी कवर होंगी। एक समाचार पत्र की खबर के अनुसार फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। खतरनाक रसायन के साथ काम करने वाले लोगों की स्वास्थ्य पर दीर्घ अवधि में बुरा असर होता है, इसलिए अब से उनकी सांस और त्वचा संबंधित इलाज से इनकार नहीं किया जा सकेगा। पिछले साल नवंबर में वर्किंग कमेटी ने IRDA को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बीमा कंपनियां अल्जाइमर, पार्किंसंस, HIV या एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों को कवर से बाहर नहीं कर सकती, इसलिए इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए IRDA ने ये फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। लगातार दूसरे महीने रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी को झटका लगा है। देश के प्रमुख महानगरों में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 15 रुपए महंगा हुआ है। आज से दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आपको 605 रुपए चुकाने होंगे। कोलकाता में इसका दाम 630 रुपए है। वहीं मुंबई और चेन्नई में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 574.50 और 620 रुपए है। वहीं 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,085 रुपए हो गई है। कोलकाता में 1,139.50 रुपए, मुंबई में 1,032.50 रुपए और चेन्नई में इसका दाम 1,199 रुपए है। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टाइम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।